आपकी कल की तैयारी कराएंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी साथ। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा अपनी सब्सिडियरी जीएलएस में 75% हिस्सेदारी बेचने का उसने ऐलान किया है। ग्लेनमार्क फार्मा के बोर्ड से मंजूरी के बाद कंपनी जीएलएस में अपनी 75% हिस्सेदारी निर्मा को बेचेगी और ये डील 615 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुई है। दरअसल इस डील की कुल वैल्यू 5,652 करोड़ रुपए है। जीएलएस यानी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ग्लेनमार्क फार्मा की लिस्टेड सब्सिडियरी है और इस डील के तहत निर्मा पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए ओपन ऑफर लाएगी और बिक्री के बाद जीएलएस में ग्लेनमार्क फार्मा की 7.8% हिस्सेदारी बचेगी। तो जी बिजनेस ने आपको याद होगा 3 महीने पहले ही यह खबर दिखा दी थी और इस पे आखिरकार डील पर मुहर लगी गई है। हमारे साथ आज के हमारे एक्सपर्ट है आनंद राठी के सिद्धार्थ सिडानी, उनसे जरा समझते हैं क्या मायने इसके। सिद्धार्थ, सुबुगाहट तो पहले से ही थी और 3 महीने पहले जी बिजनेस ने खबर दिखा भी दी थी, आखिरकार इस डील पर मुहर लग भी गई है, क्या समझे इस डील के मायने? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सभी को। ये डील के मायने ठीक ठाक है क्योंकि 615 पर शेयर में हिस्सेदारी बेची गई है और लगभग प्राइस 630 के करीब है, तो कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट है। मैं मानता हूं कि ऐसी डील ज्यादा और डिस्काउंट पे हो सकती है, तो मैं मानता हूं कि ये डील अच्छी है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से क्या वैल्यूएशन की उम्मीद थी वो देखना बहुत जरूरी होता है, बट ये पर्सपेक्टिव से ये देखा जाएगा, ये एक इंडिकेशन देता है कि फार्मा स्पेस में हलचल शुरू हो चुकी है। और फार्मा स्पेस में हलचल शुरू होने के मतलब ये बाजार में भी थोड़ी बहुत कमजोरी है, तो सेफ हेवन के हिसाब से फार्मा क्षेत्र डेफिनेटली अच्छा लगता है और ये डील मैं मानता हूं मजबूत रह सकती है ग्लेनमार्क के लिए। बिल्कुल, और खुद एमडी ने भी बयान दिया है कि इस बिक्री से कंपनी जो कर्ज है वो कम होगा और कंपनी का फोकस अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर होगा। शेयर पर क्या इंपैक्ट देख पाएंगे सिद्धार्थ हम कल ग्लेनमार्क फार्मा ग्लेनमार्क साइंसेज के लाइफ साइंसेज के? देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर रह सकता है क्योंकि कर्ज मुक्त करने की बातचीत हो रही है, तो ग्लेनमार्क फार्मा पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। हालांकि ये देखना बहुत जरूरी है कि कितना कर्ज मुक्त करने वाली है कंपनी, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूँ कि ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर प्राइस में एक उछाल जरूर रह सकता है। हमारी कोई इस पे टारगेट या रिपोर्ट नहीं है। ओके, तो चलिए ये रही आज की बड़ी खबर पर हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की राय। अब स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी एक राय ले लेते हैं। लगातार हमने देखा कई दिनों से और इनफैक्ट तीसरे दिन हमने बाजार में गिरावट का ट्रेंड ही देखा है। सिद्धार्थ, अभी फिलहाल क्योंकि आखिरी ट्रेडिंग सेशन शुक्रवार को है, अब क्या समझे हफ्ते का अंत किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में भी अच्छी गिरावट हम देख पा रहे हैं। देखिए स्वाति, फेड के बयान के बाद जब मार्केट्स थोड़े से नर्वस दिखते हैं और अनसर्टेन सिनेरियो में जब मार्केट होता है तो कमजोरी की तरफ में जाता है। यही सिचुएशन हम ग्लोबल एज वेल एज इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली देख रहे हैं क्योंकि ब्याज दर कटौती होने की कोई दिशा नहीं दिख रही है, एटलीस्ट यानी आने वाले 6 से 12 महीने में। तो इनफैक्ट एक बढ़ोतरी सामने दिख रही है नवंबर के पॉलिसी में, तो जिसके कारण मार्केट नर्वस दिखता है और ये नर्वसनेस का सीधा तर दिख रहा है कि हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन है। मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा करेक्शन हमने पिछले हफ्ते से ही देखा है, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये अच्छा मौका बन सकता है बेहतरीन कंपनियों में। जो 10 दिन पहले जो निवेशक या ट्रेडर सोच रहे थे कि मुझे पैसा लगाना है, बाजार बहुत भाग चुका है, अब उनके लिए मौका है। आप गिरावट की बाजार में घबराए मत क्योंकि तो अच्छी कंपनियां आपको ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन में ही खरीदारी का मौका देती है। बिल्कुल, तो चलिए, तो बाजार पर राय रही सिद्धार्थ की, अब उनकी स्टॉक स्पेसिफिक राय भी ले लेते हैं। सिद्धार्थ, पोजिशन व्यू किसी को रखना हो बाजार में महीने दो महीने के आपके नजरिए के हिसाब से कहां पर खरीदारी की सलाह? देखिए पोजिशनल तौर पे मुझे एक कैपिटल गुड्स की कंपनी क्यूमिंस इंडिया काफी पसंद है। आपको टारगेट स्टॉप लॉस रखना है 1675 का, 1675 का, और टारगेट रखना है 1840 का। क्यूमिंस डीजल जेनसेट ऑल्टरनेटिव फ्यूल इंजन बनाने की कंपनी है,
डीजल इंजन में अव्वल नंबर की कंपनी है क्यूमिंस इंडिया, मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर देखा जाए तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है डबल डिजिट ग्रोथ हो सकती है रेवेन्यू में इस साल में FY24 में, और रोबस्ट ऑर्डर्स दिख रहे हैं रेलवे की तरफ से क्यूमिंस के लिए। मैं मानता हूं कि नए ट्रेन जो लॉन्च हो रही है ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ला सकती है क्यूमिंस के लिए। तो पोजिशनल तौर पे 1840 का टारगेट और 1675 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो ये रही सिद्धार्थ सिडानी की क्यूमिंस इंडिया पर पोजिशनल कॉल। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी खरीदारी, कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी आपके सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म में मुझे जो स्टॉक पसंद है वो ऑटो एंसिलरी पैक से है, और वो है सीआईई ऑटोमोटिव। फिर से ये स्पेन बेस्ड कंपनी है सीआईई ऑटोमोटिव। टारगेट आपको, लक्ष्य आपको रखना है 635 का, 635 का। स्पेन बेस्ड सीआईई ऑटोमोटिव ग्रुप है, बहुत सारी भारतीय ओईएम्स को सप्लाई करती है जैसे कि मारुति, एमएनएम, टाटा मोटर्स, हीरो, किया मोटर्स, ओला इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारी कंपनियों को सप्लाई करती है। आने वाले समय में नए टाइप्स करने की योजना है नए नई ओईएम्स के साथ, जो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ला सकती है सीआईई ऑटोमोटिव्स के लिए। ओईएम्स से ही बड़ा ग्रोथ आएगा, और एडिशन नए नए प्रोडक्ट्स करने वाली है कंपनी। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी उन्होंने कई कई सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जो बेहतरीन ग्रोथ ला सकती है, और प्रॉमिसिंग कंपनी है सीआईई ऑटोमोटिव्स। ऑटो एक्सेलरी की एक बहुत ही अच्छी लीडिंग कंपनी जिसका टारगेट आपको रखना है 635 का। सीआई ऑटोमोटिव लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं स्टॉक में। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों से बातचीत का सिलसिला करें शुरू। राजस्थान से महेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम, मेरे SBI कार्ड दे रहे हैं जी। बताइए किन लेवल्स पे लिए, कितने शेयर? 932 रुपये में 100 शेयर मैडम। 100 शेयर 932, और कब तक अभी आप रख रहे हैं SBI कार्ड्स पर महेश जी? मैडम साल भर हो गए, लॉन्ग टाइम के लिए है सर। लॉन्ग टर्म के लिए SBI कार्ड काफी ऊंची खरीद है सिद्धार्थ इनकी, 932 की, नुकसान भी काफी झेल रहे हैं। साल भर का नजरिया अगर रखें SBI कार्ड पर, क्या लेवल्स आप देखते हैं और इन्हें करना क्या है? देखिए महेश जी, आपको नुकसान तो हो रहा है, बट फिर भी यही सलाह दूंगा कि आप निकल जाए। अब निकल जाएंगे, आपको नुकसान है तो इससे इसकी भरपाई कैसे करेंगे, ये तरकीब भी है मेरे पास। मैं मानता हूं कि आपको एनबीएफसी स्पेस में नजर देनी चाहिए। एनबीएफसी स्पेस जैसे कि बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, ये सारी कंपनियों पे आप खरीदारी कर सकते हैं स्विच ओवर करके। SBI कार्ड की बिकवाली का रीजन सबसे बड़ा है कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रांग है। HDFC को क्रेडिट कार्ड अब बेचने की पूरी सुविधा मिल चुकी है RBI की तरफ से, तो मार्केट शेयर टूट रहा है इनका, और दूसरी सब बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है यही स्पेस में, जिसके कारण मार्केट शेयर टूटता दिख रहा है। तो मैं मानता हूं इससे निकल जाए, चाहे अभी निकले, उछाल पे निकले, सामने खरीदारी कर ले बजाज फाइनेंस या चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। बिल्कुल, तो NBFC स्पेस से चोला फाइनेंस होल्डिंग्स, NBA ये बजाज फाइनेंस पे खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, आपके लिए यही राय सिद्धार्थ सिडानी की। अगले कॉलर हैं हिमाचल प्रदेश सोलन से मनु भारती। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो, हेलो जी मनु जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, मेरे पास वोडाफोन जी के शेयर हैं 35,000, 11 पे 20 पैसे ले रखे हैं। इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या और है? कब तक रखना चाहेंगे? लॉन्ग टर्म नजरिया है। लॉन्ग टर्म क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, 35,000 की नुकसान आपको हो रहा है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वोडा आइडिया क्या लगता है आपको सिद्धार्थ? देखिए मनु भारती जी, मेरी तो इंटरेस्ट की कंपनी नहीं है वोडाफोन, और इस पे मैं कोई राय भी नहीं देता हूँ। हालांकि यही स्पेस में मुझे भारतीय एयरटेल सबसे बेहतरीन लग रहा है, बट मैं आपका ऑब्जेक्टिव समझता हूँ ये कंपनी खरीदने का, क्योंकि बहुत जन कहते हैं कि टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है यहाँ से। बट मैं आपका पोर्टफोलियो का साइज तो नहीं जानता, बट मैं जनरल सी बात कह सकता हूं कि अगर आपको टर्न अराउंड स्टोरी पे अगर पैसे लगाने भी हो तो 5 से 10% होने चाहिए पोर्टफोलियो पे।
उस लिहाज से आप होल्ड कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपने बहुत बड़ा प्रपोर्शन लगा रखा है वोडाफोन आइडिया में, तो आपको भारतीय एयरटेल में शिफ्ट होना चाहिए फंडामेंटली। ओके, तो भारतीय एयरटेल इस पे से एक अच्छी डील लग रही है, एक अच्छा स्टॉक लग रहा है सिद्धार्थ सिडानी को, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। यही आपके लिए राय दे रहे हमारे आज के एक्सपर्ट। आइए अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, हरियाणा गुरुग्राम से चांद जी, नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका। हाँ जी, मेरे पास REC की 170 शेयर्स है, 96 पे लिए थे, तो अब उसका लिए एग्जिट करना है या वेट करना है उसके लिए? 96 पर चांद जी कब लिए थे आपने? ये अराउंड लास्ट ईयर लिए। लास्ट ईयर, ओके। और कब तक व्यू रखा है आपने, कब तक होल्ड करना चाहेंगी? वही मुझे आपसे पूछना है कि अभी एग्जिट होना है या उसके लिए होल्ड करके रखना है अभी। और भी 170 शेयर्स है, ओके, 96 क्या लगता पे है लिए थे। सिद्धार्थ आपको? मैं बिल्कुल समझ गई, आपके लेवल्स हम दिखा भी रहे हैं, 27,000 का मुनाफा आपको है और आपके भाव से तो काफी ऊपर है अभी शेयर का प्राइस, क्या करें? सिद्धार्थ क्या करना आपको लगता है स्टॉक में? देखिए बिल्कुल बने रहना चाहिए चांद जी को, क्योंकि एक मल्टी बैगर स्टॉक के हिसाब से तो साबित हुआ ही है, 3 गुना हो गया है दाम उनके लिए, और ये पूरे स्पेस में अच्छी खासी पॉजिटिव हलचल दिख रही है, चाहे वो आप REC की बात करें, PFC की बात करें जो फंडिंग करती है, चाहे आप जनरेशन कंपनी की बात करें, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये पूरे स्पेस में एक अच्छा पॉजिटिविटी दिख रहा है। हालांकि अभी थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर है माहौल, बट मैं मानता हूं जिस प्राइस पे आपने खरीदा है आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए 1 से 2 सालों के नजरिए के लिए। 1 से 2 सालों के नजरिए के लिए REC में आप बने रहिए, यही आपके लिए सिद्धार्थ सिरानी आज राय दे रहे हैं। आइए अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, महाराष्ट्र ठाणे से गजेंद्र खाड़े साहब, नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है। बजाज सेंसियो है, एवरेज प्राइस 1627 है, क्वांटिटी 72 है, उसमें सोल्ड करना है या होल्ड करना है? सोल्ड करना है कि होल्ड करना है, लेकिन आपका अपना व्यू क्या है गजेंद्र जी, कब तक आप रखने की सोच रहे हैं? हाँ, होल्ड करने की सोचे मेरी। अच्छा, होल्ड करना चाहेंगे। बाजार फिनसर्व 7,000 का नुकसान तो झेल रहे हैं, पर क्या लेवल से आप आने वाले टाइम में देखते बाजार फिनसर्व के नुकसान की भरपाई कर पाएंगे आपको लगता है सिद्धार्थ? देखिए गजेंद्र जी, आपको थोड़ा सा हल्का सा बदलाव करना है आपकी स्ट्रेटेजी में, बजाज फिनसर्व को बेच के बजाज फाइनेंस में आ जाइए, क्योंकि बजाज फाइनेंस आप NBFC तो मानते ही मानते हैं, बट इसके साथ ये कंजम्पशन प्ले है, और कंजम्पशन प्ले के लिहाज से हमारे सामने फेस्टिव सीजन, मैरिज सीजन और बहुत कुछ है, तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस एक बेहतर विकल्प हो सकता है। 9,600 का आप टारगेट रख सकते हैं लंबे समय, 1 से 2 सालों का नजरिया रखिएगा, बट इस पे स्विच ओवर करके बजाज फाइनेंस पे आ जाइए 9,600 के टारगेट के लिए 1 से 2 सालों का नजरिया। तो बजाज फाइनेंस पे स्विच कर सकते हैं 1 से 2 सालों के लिए 9,600 का टारगेट, इस पे भी गौर कीजिएगा, ये आपके लिए राय दे रहे हैं सिद्धार्थ सिदानी। आइए अगले कॉलर से बात करें, कर्नाटक बेंगलुरु से अमित जोशी हमारे साथ हैं, नमस्कार, बताइए क्या स्टॉक है आपके पास। नमस्कार, मेरे पास जुपिटर वैगन के 300 शेयर्स हैं, मैंने एवरेज बाइंग प्राइस मेरा 305 का है और मैं 1 साल रुक सकता हूँ इसमें, तो मुझे ये जानना था अभी शेयर, क्योंकि QIP का इन्फॉर्मेशन आ रहा था, ये लगातार गिर रहा है, तो वो QIP के कारण गिर रहा है या प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है वो जानना था मुझे, और क्या करना है मुझे, होल्ड करना है सेल करना है? जी, जुपिटर वैगन्स पे क्या हलचल है सिद्धार्थ? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि आपको इस पे बनाना चाहिए, हालांकि हमारी इस पे बहुत डिटेल्ड रिसर्च नहीं है ना कि हमारी कोई रिपोर्ट है, बट आप एटलीस्ट एकाध तिमाही के लिए रुके रह सकते हैं, और नतीजों पे ख्याल करिएगा, मिड कैप स्मॉल कैप पे सबसे जरूरी होते हैं कि इनके क्वार्टरली नतीजे, लार्ज कैप की तो क्या होती है, एक ट्रेंड सेट होता है पूरे साल का, तो हम उस हिसाब से एक जजमेंट ले सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में इक्वेशंस बिजनेस के काफी जल्दी बदलते हैं, जिसके कारण क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बहुत नजर रखने की जरूरत है, तो एक तिमाही के लिए बने रहिए। एक तिमाही के लिए जुपिटर वैगन से बने रहिए, यही राय सिद्धार्थ सिरानी की आपके लिए। एक ब्रेक का वक्त है, आगे चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स। करेंगे हम
और अब मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगी और समझना चाहेंगे कि इंट्राडे के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से रहेगी। देखिए स्वाति, एक से दो दिनों का अगर नजरिया रखना चाहे तो आप FMCG/space से आप ITC खरीद सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 440 रुपीज का ITC और टारगेट आपको रखना है 468 का। ITC एक बेहतरीन FMCG/cigarette का बिजनेस और अच्छी कंपनी, 468 का टारगेट, 440 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो ITC में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। धन्यवाद सिद्धार्थ आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए Zee Business।